बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीजे की चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे साथ है रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड टू पार्शियल फ्रैक्शन x+1 डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर। तो हमारे साथ ये लीनियर और रिपीटेड है, तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का क्वेश्चन दोबारा लिख लें। और इसका तरीका है रिपीटेड और लीनियर का, a डिवाइड बाय x-1 रिपीट हुआ है तो दोबारा लिख ले b डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर a। नाउ x-1 होल स्क्वायर खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई यहां पे लिख ले, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 होल स्क्वायर, तो इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x+1 डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x-1 मल्टीप्लाई बाई x-1 होल स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय x-1 इनटू x-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रहता है x+1 इज इक्वल टू यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूँ x-1 इनटू x-1, तो एक x-1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो a इनटू और यहाँ पे एक x-1 हो रहेगा और प्लस x-1 स्क्वायर है x-1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो b हमारे साथ रहेगा। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहां पे मैं x की जगह 1 पुट कर लो तो 1-1 ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की जगह 1 तो 1+1 इज इक्वल टू a इनटू 1-1, x की जगह मैंने 1 पुट कर प्लस b, तो 1+1 से 2 आता है इज इक्वल टू 1-1 से 0 आता है 0 मल्टीप्लाई बाय a से 0 प्लस b, सो b इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू हम डायरेक्ट ही मालूम नहीं कर सकते, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x+1 इज इक्वल टू ax-a प्लस b, तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब x ये बराबर है, तो x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, तो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट यहां x a है और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू मालूम हो गई और b की वैल्यू, तो पुट अप a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर a। तो x+1 डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x-1, तो a की जगह हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय x-1 और प्लस b डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर और b की वैल्यू है 2, तो 2 डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।